हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंपटीशन दुनिया चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले नीट 2021 के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त जरूरत पड़ सकती है, या फिर आपको इस बात को बहुत इंपॉर्टेंस देने की खासी जरूरत है। अगर आपको लगेगा यार ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या मतलब, सिंपल हमें तो यार 10th का सर्टिफिकेट ये वो रखना है, लेकिन मैं बता दूं जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, यार सभी लोगों को बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है, अक्सर कई बार हम इन छोटी छोटी बातों को मिस कर देते हैं और बाद में काउंसलिंग के वक्त काफी ज्यादा परेशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के वक्त, व्हेन यू गो टू काउंसलिंग, व्हेन यू अप्लाई फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, यू फेस लॉट्स ऑफ इश्यू ड्यू टू योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज और सम अदर डॉक्यूमेंट्स दैट यू माइट हैव नॉट केयर्ड अबाउट। इस वीडियो में हम इसी में बात करेंगे। एंड ऑल माय फ्रेंड्स जिनको यार इंग्लिश लैंग्वेज ही सुनिए, लाइक जो साउथ के मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस बिलोंग्स फ्रॉम साउथ एंड अदर हिंदी स्पीकिंग जो मेरी फैमिली है हमारे चैनल की, मैं सभी को साथ लेकर हमेशा चलने का प्रयास करता हूं। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर दिस टॉपिक बोथ इन इंग्लिश हिंदी, एंड जो बोर्ड पे होगा दोस्तों वो तो इंग्लिश में होगा। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू रिगार्डिंग द 2021 एप्लीकेशन फॉर्म। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एंड लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड सबसे जरूरी, सबसे पहला दो चीज है दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बता दूं यार, जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना, फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं, और वो क्यों वो भी मैं बताऊंगा। पहला तो है दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर बहुत ही सावधानी के साथ, और दूसरा जो कि कई लोग इग्नोर करते हैं यार, लेकिन ये सबसे जरूरी पार्ट है, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोलोगे यार सर ये डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते हो। और अब जनरली क्या होता है, बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारे दोस्त हैं यार जिनके पास खुद का पीसी, खुद का लैपटॉप नहीं होता, वो साइबर कैफे से फॉर्म फिल करते हैं, राइट? आप सोच करके देखना, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिल द फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड और फ्रॉम द साइबर कैफेज और एनी थर्ड पार्टी कंप्यूटर शॉप। सो व्हाट हैपेंस बेसिकली दैट कंप्यूटर शॉप or the shop owner or the people who are filling the forms in your cyber cafe, they give their own mobile number, email IDs, they give their own datas while applying for NEET 2021 application form, right? आप apply करने जाओगे, आप बोलोगे भैया मुझे form भरना, वो बोलेंगे मुझे documents दे दो आप, ठीक है मोबाइल नंबर भी एक तरह से पूछ लेंगे, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है बच्चे ईमेल आईडी वो अपना डाल देते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं यार अगर 15 लाख बच्चे भर रहे हैं तो 13 लाख ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन 1-2 लाख बच्चे तो अगर कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो ये इंपैक्ट डालेगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू केयर अबाउट। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है दोस्तों, क्योंकि बाद में आपको रिजल्ट हो बात हो, या फिर आपको जब भी अपना आंसर की चेक करना हो, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करनी हो, हर चीज में, यस हर चीज में आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर साथ देगा, ओटीपी इसी पर आएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद सारी जो कम्युनिकेशन होंगी, काउंसलिंग लेटर्स होंगे या फिर अलॉटमेंट लेटर, सारी चीजें आपको कम्युनिकेट इन्हीं दो माध्यम से की जाएंगी। सो मेक श्योर दैट यू यूज योर ओन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर नहीं है तो जाओ, मेरी वीडियोज हैं, कई सारी वीडियोज हैं यूट्यूब पे, चेकआउट करो कि हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी, हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी। एंड स्पेशली आप जब भी फॉर्म भरो तो कहो भैया मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर ही देना, और आप वहां रह करके फॉर्म भराओ, ओटीपी आएगा, आप उन्हें ओटीपी बताओ एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराओ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट डू कि आप देकर के आ गए, भैया ने भर दिया, एग्जाम तो दे दिया, अगर पास हो गए तो फिर क्या, तब जाकर पंगे होते हैं। तो मेक श्योर डोंट डू दिस मिस्टेक, काफी लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं, और मैं बता दूं यार रियली काफी लोग कर जाते हैं जाने अनजाने, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। थर्ड आते हैं, 10th की सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट आपने बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान से रखना है, क्योंकि जो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेटर ऑन भी आपको वेरीफाई इसी 10th के सर्टिफिकेट से की जाएगी। सो यू मेक श्योर यू कीप योर क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट विथ यू व्हाइल अप्लाइंग, व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, बिकॉज योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम और एनीथिंग और फॉर्म्स डिटेल लाइक जो सर्टिफिकेट नंबर्स होते हैं, दैट ऑल विल बी वेरीफाइड फ्रॉम योर 10th सर्टिफिकेट, देन यू नीड टू हैव दिस 10th सर्टिफिकेट विथ यू व्हाइल अप्लाइंग फॉर नीट 2021, राइट? नाउ कमिंग टू दिस फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्थ
जो कि है, एंड ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको यहां पर देखो आपको अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी चुननी होती है, किस स्टेट से आप दे रहे हो, तो मेक श्योर कि आपकी वेरीफाइड आपकी एलिजिबल डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जहां की, वही स्टेट आप चुनो। कई बार होता है ये सोचते हैं यार हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप बिहार से हो, आप झारखंड स्टेट में रह करके स्टडी कर रहे हो 11th 12th, राइट, बट आप हो किसे बिहार से, आपकी रूट जो है वो बिहार से आती है, आपकी बस डोमिसाइल बिहार का है, बट आपने देखा यार एलिजिबिलिटी अच्छा किस राज्य से मुझे, अरे यार रिम्स कॉलेज तो रांची में है, मतलब झारखंड में, मैं उसमें जाना चाहता हूं, आपने रांची सेलेक्ट कर लिया, बट होगा क्या बाद में जब आपके रिजल्ट्स के बाद आपको पता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड आप स्टेट कोटास के लिए अगर एलिजिबल होना चाहते हो, यानी कि 85% सीट्स के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको स्टेट कोटा की फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिखाना होगा, उसके लिए लगेगी डोमिसाइल, तो मेक श्योर आप अपनी स्टेट वही भरो जिसकी डोमिसाइल आपके पास हो, ठीक है। तो आपको कौन सा कॉलेज पसंद है ये मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है आपके पास डोमिसाइल किस स्टेट की है, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिजिटल पार्ट है आपके, आपके फोटोग्राफ्स, ठीक है, जो फोटोग्राफ्स होंगे, जो आपके सिग्नेचर्स होंगे, राइट, जो आपकी सिग्नेचर होगी, जो आपकी फोटोग्राफ्स होंगी और वी एल्स जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको आपको रखना है। बेसिकली मेन आपके फोटोग्राफ, चाहे पोस्टकार्ड की बात करें, चाहे पासपोर्ट साइज की बात करें, थंब इंप्रेशंस, सिग्नेचर, और इनके साइजेस क्या होंगी। साइजेस के लिए मैं आपको बता दूं, देखो वहां पर आपको रिकमेंडेड होता है 10 से 100 KB, ठीक है, जो आपका सिग्नेचर होता है उसमें होता है 4 KB to 30 KB, तो आप ये सब चीजें एडिट करके रखो, अगर नहीं पता तो आप ऑनलाइन चेक करो, और मेरी वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पर शाम को 5:30 बजे तक कि हाउ टू अप्लाई एंड सारी एडिटिंग्स कैसे क्या करनी सारी चीजें मैं बताऊंगा वहां पर, बट आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं बात करूं अगर पोस्ट कार्ड साइज या फिर नॉर्मल फोटो की बात करूं, ठीक है, यहां देखो दो फोटोज के अंदर आपको एक तो पासपोर्ट आएगा बच्चों, ठीक है, दूसरा आपको देखना होगा पोस्ट कार्ड, राइट, तो पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड है दो हमारे पास, राइट, तो पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होगा, मैं अगर आपको बोलूं यार तो आप ध्यान रखना 20 से 50 केबी तक रखो, ताकि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे और आपकी जो नीट की क्राइटेरिया साइज की है उसके अंदर भी आ जाए, तो 20 से 50 केबी मैं रिकमेंड करता हूं। पोस्ट कार्ड की देखो यार डायमेंशन जो होंगे ना वो 4x6 inches का होगा, और अगर साइज की बात करी जाए तो 50 से लेकर के दोस्तों 200 KB तक आप रख सकते हो, 50 to 200 KB is recommended, right? तो आप 70-80-100 KB तक रखो, that is well enough, fine. बात करते हैं सिग्नेचर के ऊपर, अगर सिग्नेचर की हम बात करें तो सिग्नेचर में यार 4 to 30 KB, ज्यादा हेवी फाइल नहीं रखनी है, तो आपने 4 to 30 KB रखना है, मेरे अकॉर्डिंग मानो तो 10 से 15 KB का रखोगे इट विल बी गुड। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, ठीक है, रिसाइज इमेज, ठीक है, आप ये गूगल पे लिखना रिसाइज इमेज, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पर आपको ऑप्शन रहेगा सेलेक्ट करने का मैं कितने के कितने केबी के अंदर आप इनको करना है, और वो आप वहां से रिसाइज कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों आपको कोई भी नीट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको नीट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए होती है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं यार, आप गूगल पे जा सकते हो, सर्च में लिखना NTA एग्जाम रिजल्ट्स, राइट, नीट, ठीक है, NTA एग्जाम रिजल्ट्स NEET.com भी लिख सकते हो, राइट, तो NTA एग्जाम रिजल्ट्स .com लिखो, NTA एग्जाम रिजल्ट्स NEET लिखो, आपको नीट 2021 से नीट 2020-19 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर कट ऑफ आंसर कीज, पिछले साल के जितने सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर थे 19 के 20 के, सारी चीजें मिल जाएंगी। और इतना भी नहीं, अगर होता है यार आपको सिंपल अगर चाहिए ना, सिंपल इजी स्टेप्स में अगर आपको बताऊं तो सिंपल आप वेबसाइट पे चल जाना NTA एग्जाम रिजल्ट्स .com, डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओ NTA एग्जाम रिजल्ट्स .com पे, और वहां जाकर के कैटेगरी में जाओ, नीट सेलेक्ट करो बिंदास और जाओ वहां पर देखो, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या चीजें आपको रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके नीट के फॉर्म अच्छे से फिल हो जाए और आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। और एक इंपॉर्टेंट बात यार, फॉर्म फिल करते वक्त स्पेलिंग्स को बहुत ही बारीकी से देखा करो, क्योंकि क्या होता है साइबर कैफे वाले अगर टाइप करते हैं तो कई बार उनका फास्ट टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पिताजी का नाम मान लो अभिषेक कुमार, राइट,
तो कई बार होता है ए बी एच आई एस ई के लिख देते हैं, कई बार हम ए बी आई एच ई एस के अभिषेक, मतलब प्रोनाउंसिएशन में तो वो देख रहे हैं, बट उनका हाथ अगर चल गया, अगर आई का एच एच का आई आगे पीछे हो गया, तो दैट विल क्रिएट एन इशू, और फिर से आपको करेक्शन विंडो का इंतजार करना होगा, फिर अलग प्रेशर होगा यार, और एग्जाम में मात्र डेढ़ दो महीने अप्रॉक्स बचे हुए हैं, राइट? तो मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग सही हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो कोड्स की बात आती है, एलिजिबिलिटी कोड की बात आती है, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, नीट 2020 का भी मिल जाएगा, कोड्स फॉर नीट 2020 सर्च करो गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी वीडियो, वहां पर मैंने पूरा डिटेल बता रखा है, और इस साल फिर से आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर आप इन बातों को फॉलो करते हो और अच्छे से अपनी फॉर्म को फिल करते हो। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, आई होप यू ऑल गोना क्रैक नीट इन 2021। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट क्वेरी लेफ्ट, डू कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच वन ऑफ यू इफ आई गेट टाइम। सो मेक श्योर फॉलो करते हो आप, अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो बिंदास कमेंट करो, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके जवाब देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, चेक आउट डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। थैंक्स फॉर, bye bye, see you again in a new video.